नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट में, तो होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एडल्ट 2 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी इस पर MRP आती है, किस प्रकार इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो एडल्ट 2 मेडिसिन होती है देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में तो 22 ml के साइज़ में मार्केट में मिल जाती है। और दोस्तों जो इस पर MRP आती है वो 295 रुपये आती है। और जो इसको बनाने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में कंपनी आती है एडल्ट, जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है। दोस्तों जो एडल्ट कंपनी होती है कि जर्मनी कंपनी है जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है, जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो एडल्ट 2 मेडिसिन होती है इसका जो मेन यूज़ होता है वो पाइल्स के लिए होता है, बवासीर के लिए होता है, हेमरॉइड्स के लिए होता है। अगर आप में से किसी को बवासीर की शिकायत हो गई है, जो बवासीर है वह खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, दोनों ही प्रकार की बवासीर या पाइल्स को ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन एडल्ट 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके ग्लूसेस के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज होता है बर्निंग इन एनस। दोस्तों अगर किसी को लैट्रिन के रास्ते पे जलन सी बनी हुई रहती है, या लैट्रिन करने के बाद ही लैट्रिन के रास्ते पे जलन सी बनी रहती है, या पूरा दिन लैट्रिन के रास्ते पे जलन सी बनी हुई है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसका अगला यूज होता है पेन ड्यूरिंग स्टूल। दोस्तों जब आप लैट्रिन के लिए जाते हैं, अगर लैट्रिन करते समय आपके लैट्रिन के रास्ते में दर्द हो रहा है, या लैट्रिन करने के बाद लैट्रिन के रास्ते पे दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने का काम यह होम्योपैथिक मेडिसिन एडल्ट 2 करती है। दोस्तों इसका अगला यूज होता है इचिंग इन एनस। दोस्तों अगर किसी को लैट्रिन के रास्ते पर खुजली सी बनी हुई रहती है तो खुजली को ठीक करने के लिए भी आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या की वजह से जो लैट्रिन है वो बहुत ज़्यादा टाइट आपको आती है, जब लैट्रिन आपको टाइट होती है तो लैट्रिन करने में बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होती है, टाइट के वजह से उसमें लैट्रिन के रास्ते पर जलन होती है, दर्द होता है, चुभन होती है, तो उसको भी ठीक करने का काम ये होम्योपैथिक मेडिसिन एडल्ट 2 करती है। तो दोस्तों कुछ यूजेस से जिन जिन कंडीशन में आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। तो दोस्तों इसमें पहली मेडिसिन होती है एसिड नाइट्रिक, उससे अगली होती है एस्कुलस, उससे अगली होती है एनाकार्डियम, कोलेंसोनिया होती है, इग्नेसिया होती है, मिली लोटस होती है, सीडम आक्ट्रे होती है, और थैलेसमी बल्सा पेक्टोरिस होती है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिनकी सहायता से मिलकर इस मेडिसिन को बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।